आओ मिलकर देशवासियों तिरंगे को करें सलूट, मेरा राष्ट्र है महत्वपूर्ण, सभी करें तिरंगे को नमन। हमारे पूर्वजों ने यह खून पसीनों से तिरंगे को सींचा है, मेरे देश का तिरंगा हमेशा लहराता रहे। आओ चलें प्रतिदिन तिरंगे का करें नमन सलूट, देश का गौरव बनाए या सभी देशवासियों को समर्पित है। देश के लिए उड़ान भरे, देश की मजबूत राष्ट्र को सर्वोपरि बनाए, शक्तिशाली भारत बनाए, यह सब राष्ट्र के सेवक सर्वोपरि सेनाओं को समर्पित करता हूँ। आओ चलें सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण हवाओं के साथ, प्रदूषण की करें खात्मा, अपने गांव शहर में पेड़ पौधे अधिक लगाएं, आप हमेशा स्वस्थ जीवन जिए। आज सुबह टाइम्स टीम यही कामना करती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको ले चल रहा हूं सीधे अपने देश की पगड़ी बांधने का परंपरा कैसे रहा, आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार पगड़ी बांधने का रीति रिवाज अनेक राज्यों में अनेक तरह तरह की दिखाई देती है। हम वहीं पे बात कर रहे हैं राजस्थान की पगड़ी। तो आदिवासी महोत्सव में या भारत की पगड़ी बहुत ही पुरानी मानी जाती है और यह देखा भी जाता है कि अपने देश की परंपरा बहुत पुराना रहा। जो हमारे पूर्वज आप समझ सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लोग सभी पगड़ी बांधते थे और हर जगह का जो है पगड़ी बांधने का अलग अलग स्टाइल देखा जा सकता है। तो पगड़ी की बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, तो आज आइए हम राजस्थान की पगड़ी आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी और आपको देखना भी है। यह पगड़ी आपको आदिवासी महोत्सव का आप देख रहे हैं या INA दिल्ली में लगा हुआ है, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको दिखाई जाएगी विभिन्न तरह के सांस्कृतिक रीति रिवाज। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की पगड़ी की परंपरा अलग है, वहाँ की बांधने की स्टाइल अलग है। वहीं पे पंजाब की पगड़ी आप समझ सकते हैं कि सिख के लोगों का भी पगड़ी कितना बांधने के स्टाइल अलग है। हरियाणा की पगड़ी, वहाँ की बांधने की स्टाइल अलग है। गुजरात की पगड़ी, अनेक तरह की पगड़ी बांधने की अलग रीति रिवाज है। तो उत्तर प्रदेश की पगड़ी भी अलग तरीके का है। तो ये सामान्यता मैं आपको दिखाया हूँ जहाँ मैं आपको देख सकता हूँ, मैंने देखा है खुद नज़दीकी से, तो यह आपको बता रहा हूँ। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ की पगड़ी स्टाइल शायद अलग होगा। तो आइए अनेक राज्यों की पगड़ी की अंतर और बांधने की उससे समझने भी ज़रूरत है। कोई पगड़ी बांध भी रहा है तो जो पूर्वज लोग हैं वो ज़्यादा जो है बांधते हैं, वही जो है आज की डेट में अपने देश की रीति रिवाज के बारे में भी काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। तो हर राज्यों की अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपरा, सांस्कृतिक संस्कार पर ही हमारा भारत मजबूती के साथ टिका है और सभी व्यक्तियों को अनेक राज्यों की रीति रिवाज, वहाँ की संस्कार देखना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान की सबसे पुरानी पगड़ी बांधने की स्टाइल, और जानना भी बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट आप देखिए, दिल्ली आदिवासी महोत्सव। हाँ। 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 ओ जी आओ पधारो मारा देश रे पिया गोरडा साहिबा, आओ पधारो मारा। बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे क्या है कि शिवला जी कैसा इस तरह से आदिवासियों का है, तो आपने रिसर्च किया कि क्या क्या आपको इसमें उनके अनुकूल और आपके अनुकूल में कैसा दिखाई दिया?
देखिए वहाँ की लाइफ चूँकि है काफ़ी और वहाँ की टफ लाइफ में रहते हुए भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे जी। तो भारत सरकार ऐसा काम कर रही है, तो भारत सरकार जिस तरह से कर रही है इसे और भी राज्यों में लगाने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।